मेरे जीवन में कई बार डर मुझे छोटे छोटे या कभी बड़े काम भी करने से रोक देता है। असफलता का डर या कभी कभी नकारे जाने का डर। इस डर से कैसे छुटकारा पाएं? आप किसी ऐसी चीज से छुटकारा नहीं पा सकते जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। इस समय क्या आप डरे हुए हैं अभी कि मैं आपको नुकसान पहुंचाने वाली कोई बात कह दूंगा? क्या इसी बात का डर है? अपने जीवन के हर पल में क्या आपको डर लगता है? नहीं तो जब आप डर में नहीं होते बस वैसे ही बने रहिए, क्योंकि डर पैदा करने के लिए आपको बढ़ा चढ़ाकर कल्पना करनी होगी। डरा हुआ ना होने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना होता। डर पैदा होता है जरूरत से ज्यादा कल्पना के कारण। जो चीजें नहीं हुई हैं आप उन्हें भी बना रहे हैं। क्या हो सकता है आपके मन के हिसाब से चीजें उससे हजारों अलग अलग तरीकों से होती हैं। ज्यादातर वो कभी होती भी नहीं। जिन चीजों का आपको डर रहा है, 100 चीजें लीजिए जिनका आपको डर रहा है, शायद उनमें से 99 चीजें कभी नहीं हुई है ना? तो आपका डर हमेशा उन चीजों के बारे में होता है जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। आप किसी ऐसी चीज से लड़ नहीं सकते या छुटकारा नहीं पा सकते जिसका अस्तित्व ही नहीं है। हम किसी ऐसी चीज से छुटकारा पा सकते हैं जिसका अस्तित्व है। आप किसी ऐसी चीज से छुटकारा नहीं पा सकते जिसका अस्तित्व ही नहीं है। हमें बस उस कोशिश को छोड़ना होगा। डर का मजा लीजिए, वैसे भी आपने ही इसे बनाया है। आपको डरावनी फिल्में पसंद है? हाँ, आप मना कर रहे हैं लेकिन आप ही उन्हें बना रहे हैं। ये फिल्में कमाई नहीं कर रही, बस इतना ही। डर का मतलब है कि आप अपने मन में डरावनी फिल्में बना रहे हैं, उन्हें कोई और नहीं देखना चाहता। निर्माता के लिए अच्छी बात नहीं है लेकिन आप उन्हें बना रहे हैं। तो आप कुछ और बनाइए, कॉमेडी फिल्म बनाइए, लव स्टोरी, सस्पेंस, थ्रिलर, आज कुछ और बनाकर देखिए। बस बैठिए और एक लव स्टोरी, एक सस्पेंस थ्रिलर और एक कॉमेडी फिल्म बनाइए। अपने मन में 5-5 मिनट की फिल्में बनाइए। सच में अपने मन का अलग तरह से इस्तेमाल शुरू करें। ये एक ढर्रे पर चलने लगा है। ये बस हर समय डरावनी फिल्में बनाने के पैटर्न पर चलने लगा है। आप बहुत सारी डरावनी फिल्में देख चुके हैं, कुछ और बनाइए। ऐसा नहीं है कि अगर आप ऐसी फिल्में बनाएंगे तो वही चीजें आपके जीवन में होने लगेंगी। हो सकता है कि वो ना हो, कम से कम आप फिल्मों को एंजॉय करेंगे। हकीकत में हो सकता है वो ना हो। दुनिया में जो चल रहा है अगर आप उसका आनंद नहीं ले पा रहे तो कम से कम आपके मन में जो चल रहा है उसका तो आनंद लीजिए। हर इंसान को इतना अधिकार तो है ही, है कि नहीं? अगर दुनिया उसके प्रति दयालु ना हो तो कम से कम उसका खुद का मन तो उसके प्रति दयालु होना चाहिए। कुछ अच्छी फिल्में बनाइए। शांति जीवन का परम लक्ष्य नहीं है, यह सबसे बुनियादी जरूरत है। अगर आपने इसे जीवन का परम लक्ष्य माना तो आपको मरने के बाद ही शांति मिलेगी।